नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली खबरें आप तक समय पर पहुंच सके। कोरोना वायरस संक्रमण का हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में रहने वालों को लॉकडाउन के फेज 2 में बड़ी राहत मिली है। यहां के निवासी 20 अप्रैल से ई कॉमर्स कंपनियों से मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, एसी और कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। यह छूट सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। स्थानीय बाजार में इनसे जुड़ी दुकानें नहीं खुलेंगी। हॉटस्पॉट बनने से बचे इलाकों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर केंद्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें ई कॉमर्स और कूरियर कंपनियों को 20 अप्रैल से काम करने की इजाजत दी गई है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान के बारे में स्पष्टीकरण नहीं था। इस पर मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों के वाहन संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर हर तरह का सामान ले जा सकेंगे। पहले लॉकडाउन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिर्फ खाने का सामान, दवा और चिकित्सा उपकरणों जैसे जरूरी सामान ही सप्लाई करने की इजाजत दी गई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय इस पे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। जाते जाते सब्सक्राइब के इस लाल बटन को भी दबाते जाएं।